आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवद गीता का उद्देश्य दिया, यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि MSP मिलेगी। आज भी जो MSP है, 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहाँ मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूँ कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है,
एक भी भर्ती नहीं। प्रियंका गांधी।